नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत में जल्द ही लॉन्च होंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक, पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात। घोड़ा बाजार शब्द पर किशोर जोगरेवार की प्रतिक्रिया, शिवसेना नेताओं को दी जोगरेवार ने चेतावनी। और नाना पटोले ने बीजेपी पर लगाया धर्म की राजनीति करने का आरोप, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, पटोले की प्रतिक्रिया। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को पुणे में राज्य स्तरीय शुगर कॉन्फ्रेंस 2022 को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने महंगाई के दौर में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग और उनके महत्व को समझाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक बसों के बाद जल्द ही मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक ट्रक को भी लॉन्च करूंगा। राज्य स्तरीय शुगर कॉन्फ्रेंस का आयोजन वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे की तरफ से किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि और निर्माण उपकरणों में हम किस तरह से एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ईंधन ही ऊर्जा का एक नया भविष्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एथेनॉल और मेथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के साथ साथ इलेक्ट्रिक भविष्य है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब 3 साल पहले जब मैं इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करता था तो लोग मुझसे कई तरह के सवाल करते थे, लेकिन अब देखिए इलेक्ट्रिक वाहनों की काफ़ी डिमांड है और यह तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कार और बसों के बाद अब जल्द ही मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक को भी लॉन्च करूंगा। यानंतर आपल्या देशामध्ये याच्यात इकॉनॉमिक व्हायबिलिटी आहे आणि त्याचा संबंध साखर कारखानदारीशी आहे आणि ते सांगण्याकरता मी ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून अधिकृतपणे तुम्हाला सांगतो आहे। म्हणजे मी कुठलं तरी भाषण, बरं मी सगळे प्रयोग स्वतःही करून बघतो तेव्हा तुम्हाला सांगतो आहे, त्यामुळे माझ्या बोलण्यावर विश्वास ठेवा की येणाऱ्या काळामध्ये इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझल, बायो एल एन जी, बायो सी एन जी आणि ग्रीन हायड्रोजन या आणि इलेक्ट्रिक ह्या अल्टरनेटिव्ह फ्युएलला खूप वाव आहे। मी जेव्हा 3 वर्षापूर्वी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बसेस आणि इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्षाबद्दल बोलायचो तर मला सगळे लोक विचारायचे, मग जर इलेक्ट्रिक गाडी असेल तर मग चार्जिंग कसं होईल, मग चार्जिंग नसेल तर गाड्या घेऊन काय उपयोग आहे। आता टाटाच्या गाड्यांना वर्षभर मिळत नाही, आता मला चिठ्ठ्या मागायला लोक येतात की तुम्ही स्पेशल केसमध्ये आम्हाला गाडी मिळवून द्या। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस आणि आता मी लवकरच इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि इलेक्ट्रिक ट्रक्सही पण लॉन्चिंग करणार आहे, मलाच तारीख द्यायची आहे त्यांना। आणि इलेक्ट्रिक एवढं स्वस्त आहे की ज्या गाडीवर तुम्ही 20,000 रुपये पेट्रोलवर खर्च करत होते त्याच्यावर 1,500 ते 2,000 रुपये इलेक्ट्रिकचा खर्च, मेंटेनन्स नाहीच। मी आता नागपूरला इलेक्ट्रिक कार वापरतो, दिल्लीतही वापरतो आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये हे पॉप्युलर होणार आहे आणि आपल्यामध्ये एवढी डिमांड आहे की ज्याच्यात जेवढा दम असेल त्यांनी ते करायला काही हरकत नाही। जे मिथेनॉल आहे ते आपण कोळशापासून तयार करतो। आपल्या देशाचं हे दुर्भाग्य आहे की आपल्याकडे सोनं आहे पण आपण सोनं इम्पोर्ट करतो, आपल्याकडे कॉपर आहे आपण कॉपर इम्पोर्ट करतो, आपल्याकडे ॲल्युमिनियम आहे आपण ॲल्युमिनियम इम्पोर्ट करतो, आपल्याकडे आयर्न ओर आहे। आता गडचिरोलीला आपल्या इथे सूर्यागडला आयर्न ओर देशातला सगळ्यात चांगला आता सुरू झालं आहे ते, म्हणजे आज तिथे रोजगार मिळाला, नक्षलवादी मुवमेंट त्याच्यामुळे चेक झाली आणि आज 4-5 हजार मुलांना रोजगार मिळाला, आदिवासी मुलांना। त्यामुळे आपल्याकडे सगळं काही आहे पण आपण इम्पोर्ट करतो। आज कोलमध्ये आपलं इम्पोर्ट 20 लाख करोडचं आहे, आपल्या मिनरल्समध्ये आपलं इम्पोर्ट आहे आणि आपल्या फ्युएलमध्ये इम्पोर्ट आहे आणि म्हणून इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव्ह पोल्युशन फ्री आणि इंडिजिनियस ही आपली पॉलिसी आहे। आत्ता मला सांगताना आनंद होतो आहे की आसाम पेट्रोलियममध्ये 100 टन मिथेनॉल पर डे अवेलेबल आहे, तर मी मागे लागून लागून खूप अडचणी झाल्या आणि आम्ही आत्ता आसाममध्ये आणि नॉर्थ ईस्टमध्ये 15% डिझेलमध्ये डिझेलमध्ये 15% मिथेनॉल टाकलं। आता मिथेनॉलचा रेट आहे 22 रुपये लिटर आणि डिझेलचा भाव आहे 100 रुपयाच्या वरती आहे आणि म्हणून आपल्या इकडे कोळसा आहे विदर्भात सगळा
आणि कोळशापासून मिथेनॉल, मिथेनॉलपासून डीएमई नावाचा गॅस आहे आणि तो 20% एलपीजी टाकला तर आपला गॅसचा सिलेंडर 100 रुपयांनी स्वस्त होईल. आपण एलपीजी इम्पोर्ट करतो आणि अमोनियम नायट्रेट जे आपल्या मायनिंग इंडस्ट्रीमध्ये लागतं त्याचंही शॉर्टेज आहे, त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी मायनिंग इंडस्ट्री प्रॉब्लेम फेस करत आहे. त्यामुळे माझी दादांना विनंती आहे की आता जसं तुम्ही या इथेनॉलचा देखील करता तसं महाराष्ट्रात मिथेनॉल तयार करणारी इकॉनॉमी आपण तयार केली पाहिजे. ऑलरेडी स्टँडर्ड्स तयार झाले जगात, अमेरिका, कॅनडा, चीन सगळ्या ठिकाणी 100% ट्रक बसेस मिथेनॉलवर चालतात. मी मध्ये मुंबई आणि पुण्याला 2 बसेस या आणण्याचा प्रयत्न केला पण ते राईट अँड लेफ्ट हँडमध्ये त्या बसेस काही तयार झाल्या नाही. आणि आपल्या इथे RCF आणि नव्या मुंबईमध्ये दीपक फर्टिलायझर या 2 कंपनी मिथेनॉल तयार करतात. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या इकॉनॉमीमध्ये आमच्याकडे विदर्भात भरपूर लो क्वालिटीचा कोळसा आहे, त्यामुळे आपण मिथेनॉल तयार करू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनकी यशस्वी कार्यप्रणाली की वजह से साल भर के कार्यकाल में भारत ने नए युग की ओर अपना रुख किया है. दुनिया भर में एक अलग छवि बनाने में सफलता प्राप्त की है. सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण, इस त्रिसूची के आधार पर मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों से अपनी यात्रा जारी रखी है. ऐसा सांसद रामदास तड़स ने वर्धा में हुई पत्रकार परिषद में कहा. पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है. कोरोना आपत्ति की वजह से 2 साल से देश परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन अब किसी भी गरीब व्यक्ति पर भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आएगी, इसका ख्याल मोदी सरकार ने रखा. देश के हर गरीब को हर महीने 5 किलो गेहूँ और चावल मुफ्त दिया जाता था. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना छोटे बड़े सभी स्तर पर लोगों के एक बड़े वर्ग के लिए एक जीवनदायी साबित हुई. सांसद तड़स ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल देश के लिए एक अभूतपूर्व तोहफा है. सांसद रामदास तड़स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों की सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के 8 साल पूरे होने पर 4 जून को होटल तंदूर में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुनील गफाट, पूर्व सांसद अशोक वाघमारे, अविनाश देव, किशोर दिघे और मिलिंद भिड़े मौजूद थे. मोदी सरकार के 8 वर्ष मजे देशाला लाभलेला एक अद्भुतपूर्व अशी भेट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारची सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण हे 8 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल या ठिकाणी मी पत्रकाराला संबोधित केलं. या 8 वर्षाच्या कार्यकालामध्ये मोदी सरकारने जनधन योजना असो, उज्ज्वला योजना असो, स्टार्टअप जनजीवन मिशन योजना असो, PM आवास योजना असो, सौभाग्य योजना असो, गरीब कल्याण अन्न योजना असो, प्रधानमंत्री किसान योजना असो, आयुष्यमान भारत योजना असो, स्वच्छ भारत मिशन योजना असो, मुद्रा लोन योजना असो, एक देश एक रेशन कार्ड अटल भूजल योजना कल्याणासाठी सतत काम करत आहे. निर्वासित म्हणजे जो प्रश्न राम मंदिराचा गेल्या कित्येक वर्षापासून होता तो राम मंदिराचा प्रश्नसुद्धा मिटला आणि राम मंदिराच्या या बनवायला सुरुवात झाली. 370 कलम रद्द करण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाने 8 वर्षाच्या कार्यकालामध्ये केलं. 3 तलाक, नागरिकत्व, सर्जिकल टाईल्स, बालाकोट स्टाईल असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय देशाला नवी दिशा दाखवण्याचं काम आणि महासत्ता बनवण्याचं काम या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 वर्षाच्या कार्यकालामध्ये केलं. त्याचप्रमाणे या देशातल्या शेवटल्या झोपडीपर्यंत ह्या योजना पोहोचण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते करत आहे आणि आज 8 वर्षाच्या कार्यकालामध्ये जे काम जनतेपर्यंत पोहोचण्याचं काम जे भारतीय जनता पक्षानं केलं आणि त्याला सर्वाला त्याची मदत झाली आणि म्हणून या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आपण ह्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचण्याचं काम करावं ही मी आपल्याकडून अपेक्षा करतो. त्याचप्रमाणे माझ्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये गेल्या 60 वर्षाच्या कार्यकालामध्ये जे काम झालं नाही ते 8 वर्षाच्या कार्यकालामध्ये झालं. या देशामध्ये 2014 परिवर्तन झालं,
आणि गेल्या 60 वर्षाच्या कालखंडात गैर काँग्रेसी सरकार माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वात या देशामध्ये आलं. 2014 ते 2022 या 8 वर्षात माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या सरकारने या सरकारची सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण यासाठी काम केलं आणि हे काम ज्या योजना सर्वसामान्य माणसासाठी माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी केल्या ज्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना असेल, जनधन योजना असेल, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयाची योजना असेल, उज्ज्वला गॅस योजना असेल, अशा अनेक योजना, किसान सन्मान योजना असेल, अशा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपासून तर सर्वसामान्य माणसाकरता ज्या योजना राबवल्या त्या प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या आणि थेट त्यांना त्या फायदा झाला. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं 1 जून ते 15 जून या कालखंडात एक पंधरवाडा आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं केंद्र सरकारनी राबवलेल्या योजना त्या सर्वसामान्य माणसाला पर्यंत पोहोचल्या किंवा नाही यासाठी आमच्या कार्यकर्ते, बूथ स्तरावरचे कार्यकर्ते, वेगवेगळ्या आघाड्या, मोर्चे या संदर्भात सामान्य मतदारापर्यंत जाऊन त्यांची भेट घेऊन या योजना त्यांना मिळाल्या, त्याचा फायदा त्यांना कसा झाला किंवा आणखी यामध्ये काय सुधारणा करायला पाहिजे या संदर्भातलं लाभार्थ्यांच्या भेटी घेण्याचा कार्यक्रम बूथ स्तरावर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून होणार आहे. किसान मोर्चाच्या माध्यमातून शिवार फेरी राबवून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांशी संवाद आम्ही साधणार आहोत. युवा मोर्चाच्या माध्यमातून एक विकास तीर्थयात्रा की ज्या देशामध्ये पहिल्यांदा युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात योजना आल्या त्या युवकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता ही विकास तीर्थयात्रा या जिल्ह्यातील शहीद भूमी आष्टी इथून 11 तारखेला इथं प्रारंभ होईल आणि 14 तारखेला सेवाग्राम इथे या युवा मोर्चाच्या यात्रेचा समारोप या ठिकाणी होणार आहे. आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातले आमचे कार्यकर्ते सामान्य मतदारापर्यंत पोहोचून या संदर्भातली जनजागृती आम्ही पक्षाच्या वतीनं या पंधरवाड्यात करणार आहोत. नागपूर के सदर थाना अंतर्गत अंजुमन कॉम्प्लेक्स स्थित एक दुकान से 2 लोगों ने 7,20,000 रुपए का सामान किराए पर लिया था, लेकिन चेक में गड़बड़ी होने से वादी संतोष ने सदर पुलिस थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई. इस मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है. नागपुर में 2 जून को वादी संतोष कोकमल जॉर्ज ने आरोपी समीर हदील शेख उम्र 32 साल और उसके एक साथी को वादी के ऑफिस अंजुमन कॉम्प्लेक्स सदर स्थित एक दुकान से 120 नग पाइप ऐसे पूरे 7,20,000 रुपए की संपत्ति किराए से दी थी. आरोपी ने संतोष को 30,000 रुपए का चेक भी दिया था. वादी जब साउथ इंडियन बैंक में चेक लगाने गया तो बैंक स्टाफ ने कहा कि चेक में करेक्शन हुआ है. जब वादी ने आरोपी से संपर्क किया तो फोन स्विच ऑफ था. इससे वादी को धोखाधड़ी होने का समझ में आया. वादी संतोष ने इस संबंध में सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. फिरियादी संतोष कोकमल जॉर्ज, इनकी रहना है बैरानी टाउन, इनका वाला अंजुमन कॉम्प्लेक्स G3 सदर, यहाँ पे एक इनके कॉन्ट्रैक्टर का काम चलता है वहाँ से, और कोरडे में इनका गोडाउन है और इनके पास में जो लोहे का सेंटरिंग का जो साहित्य है ये वो रेंट से भी देते हैं. तो इसमें आरोपी उनके पास में आया था, उसने अपना नाम समीर बताया था और उनको कुछ उसने बोगस डॉक्यूमेंट दिए और बोगस कुछ बैंक के चेक दिए हैं और उनके पास से रेंट के ऊपर से कुछ टोटल 7,20,000 का लोखंडे एंगल उसने किराए पे से ले गए थे. जब इन्होंने रॉड वापस नहीं किए तब फिरियादी ने वो जो पता दिया था उसको लेटर के ऊपर में उस जगह पे जाके जब तहकीकात किया तब उसे मालूम पड़ा कि उस नाम की कोई फर्म ही नहीं है और उस नाम का कोई वहाँ पर गोडाउन और दुकान नहीं है. तब उसे मालूम पड़ा कि उसके साथ फसनों को यह कर दी और जो चेक था वो भी फेक था. उन्होंने पुलिस स्टेशन में हमारे कंप्लेंट दिए. कंप्लेंट में से फिर हमने आरोपी को इसमें शोध किया और उसमें आरोपी समीर उर्फ आदिल शेख रशीद शेख और कादर खान दोनों गांजा खेत के रहने वाले हैं. ये दोनों आरोपी इसमें निष्पन्न हुए. उसमें से एक हमने समीर उर्फ आदिल शेख रशीद शेख को हमने अरेस्ट किया है. अभी वो PCR में है और इन्होंने ये माल कहाँ बेचा, किसको बेचा और कौन इनके साथ में शामिल है, इसका हम लोग तपास कर रहे हैं. सर, जो समीर जो है उसको पिछले रिकॉर्ड है क्या क्या?
हाँ, समीर का पिछला भी कुछ रिकॉर्ड है और इसमें टोटल 7,20,000 रुपये की फसवणूक की है। और हमें ऐसी जानकारी कि आरोपी ने इसके पहले भी इसी प्रकार के कृत्य करके काफ़ी लोगों को ठगा है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। चंद्रपुर के निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार ने घोड़ा बाजार शब्द पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर शिवसेना नेताओं द्वारा इस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो निर्दलीय विधायकों को अलग तरह से सोचना होगा। निर्दलीय और छोटे दलों के मामले में इस तरह की शंका होना गलत है और उन्होंने कहा है कि इस शब्द के इस्तेमाल से निर्वाचन क्षेत्र में हमारी छवि खराब हुई है। ऐसी प्रतिक्रिया किशोर जोरगेवार ने दी। भूमिका आमची एकदम स्पष्ट है। महाविकास आघाडी कडे 170 लोकांचा पाठिंबा आहे आणि मी स्वतः जर माझी भूमिका जर म्हणाल तर मी जे संजय पवार जे उमेदवार आहे त्यांच्या उमेदवारीच्या अर्जावर आम्ही अपक्ष लोकांनी 10 लोकांनी त्यांचं नामांकन दाखल करताना आम्ही त्याचे आमचे स्वाक्षर आहे। हे विनाकारण तर तुम्ही टेम्पो उभे केलेला काम आहे। 170 बहुमत असल्यानंतर या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा असा विषय होण्यासारखं नाही आहे। या शब्दावरच माझा आक्षेप आहे। आम्ही या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या 12.5 कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे त्या पवित्र अशा त्या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य आहोत आणि आमच्या अपक्षांच्या बाबतीत छोट्या पक्षांच्या सदस्यांच्या बाबतीमध्ये ही शंका उपस्थित करणं वाईट चूक महापाप आहे। कारण की आम्ही 4-5 लोकांमधून निवडून जातो। कोणताही पक्ष मागे नसताना कोणताही मोठा नेता आमच्यामध्ये मागे नसताना मी तर अतिशय तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की मी एक टोपली विकणारा आईचा मुलगा आहे। कोणत्याही भांडवल आमच्या मागे नसताना आम्ही केवळ आणि केवळ जनतेच्या आशीर्वादामुळे जनतेच्या प्रेमामुळे आम्ही त्या सभागृहामध्ये जनतेच्या हिताचे कायदे करण्यासाठी निवडून जातो, काम करण्यासाठी जातो आणि असा हा घोडेबाजार हा शब्द वापरत आमच्या प्रतिमेचा एक प्रकारे मतदार संघातील खराब करण्यासाठी हा विषय होतो। म्हणून मी या विषयावर उपाध्यक्ष जे आहेत नरहरी झेळवा सभागृहाचे जे आमचे संरक्षक आहे त्यांना लेखी तक्रार देणार आहे आणि माननीय मुख्यमंत्री यांना सुद्धा सांगणार आहे। काही शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांसुद्धा च्या माध्यमातून सुद्धा हे बोलल्या गेलं आहे की दुसरा पक्ष आहे त्याच्याजवळ खूप पैसे आहे आणि तो अपक्षांचा आणि छोट्या पक्षांना त्या आमदारांना सदस्यांना विकत घेण्यासाठी घोडेबाजार करणार आहे। हे उपमा हा शब्द यावर आमचा आक्षेप आहे आणि काही आम्ही अपक्ष आम्ही आपसात चर्चा केली। आम्ही सांगितलं की हा शब्द जर वारंवार आला तर मात्र आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल आणि हे घोडेबाजार हा शब्द बाद झाला पाहिजे। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केलवत थाना क्षेत्र के भगीमाहारी नरसाला खापा शिवार में अज्ञात व्यक्ति का शव सड़ी हुई अवस्था में मिला। पुलिस द्वारा मृतक की पहचान की जांच कर रही है। हित ज्योति आधार फाउंडेशन के अध्यक्ष हितेश बंसोड़ की मदद से शव को मेयो अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। आगे की जांच थानेदार अमित अतराम द्वारा की जा रही है। अमित अतराम ने कहा है कि अगर कोई उसे उसके कपड़ों से जानता है तो थाने केलवत से संपर्क करे। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। धनंजय मुंडे ने चंद्रकांत पाटिल के वक्तव्य पर उत्तर देते हुए बोले कि शायद वह खुद घोड़ा बाजार करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया होगा। और अहमदनगर नामांतर के मुद्दे पर कहा कि पहले भाजपा इस बात का उत्तर दे कि पिछले 5 सालों में वह खुद नामांतर क्यों नहीं कर पाए। धनंजय मुंडे ने राज्यसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर कहा कि पहले यह समझना जरूरी है कि यह दोनों चुनावों का रूप अलग अलग होता है। राज्यसभा का चुनाव 10 तारीख को होने जा रहा है, तो वही विधानसभा का 20 तारीख को। कायदे के मुताबिक राज्यसभा चुनाव गट प्रमुख के मार्गदर्शन में करना पड़ता है, तो वही विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा कोई कायदा नहीं है। उन्होंने चंद्रकांत पाटिल के वक्तव्य पर उत्तर देते हुए यह भी कहा कि चंद्रकांत पाटिल ही घोड़ा बाजार करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया होगा। वही अहमदनगर नामांतर के मुद्दे पर उनका मत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोकशाही में हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मांग करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी ने उठकर अहमदनगर का नाम बदलकर पुण्यश्लोक अहिल्या देवी नगर रखा जाए, ऐसी मांग करना गलत नहीं है, लेकिन नगर जिले के मतदार संघ के तत्कालीन विधायक ने भी ऐसी मांग की थी। फिर 5 सालों में आप अहमदनगर का नामांतर क्यों नहीं कर पाए, ऐसा तीखा सवाल धनंजय मुंडे ने किया है। पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए, उसके बाद ही यह मांग की जाए। मांग करने के बाद ही उस पर महाविकास आघाड़ी कुछ निर्णय ले पाएगी। आता एक लक्षात, आज खऱ्या अर्थाने राज्यसभेचं चित्र स्पष्ट होणार होतं, निवडणूक होणार का बिनविरोध होणार, तर एकंदरीत आत्ता लक्षात येत आहे की राज्यसभेचीही निवडणूकच होणार आहे, बिनविरोध होणार नाही। पण राज्यसभेचं मतदान आणि विधानसभेच्या मतदानामध्ये फरक आहे। 10 तारखेला राज्यसभेचं मतदान आहे, 20 तारखेला विधान परिषदेचं मतदान आहे। राज्यसभेचं मतदान हे त्या गटनेत्याला, त्या पक्षाच्या प्रतोदला दाखवून ते मतदान करावं लागतं, हा कायदा आहे। विधान परिषदेला तसं नाही आहे। आणि जर घोडाबाजाराच्या बाबतीमध्ये चंद्रकांत दादाच म्हणले असतील तर खरा बाजार त्यांना चालू करायचा असेल कदाचित, म्हणून ते त्या ठिकाणी घोडे बाजार करण्यासाठीच निवडणूक या ठिकाणी लागत आहेत, अशी परिस्थिती एकूण महाराष्ट्रामध्ये सर्वदूर सगळ्यांना असं वाटतं आहे। एक लक्षात घ्या, कुणी काय मागणी करावी लोकशाहीमध्ये, ज्याला त्याला या लोकशाहीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या देशाला दिलेल्या घटनेने अधिकार दिलेला आहे। पण माझा एक प्रश्न आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्याने उठून आज अहमदनगरचं नाव अहिल्यादेवी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर ठेवावं असं त्यांनी मागणी केली तर ती गैर नाही, माझ्या दृष्टीने ती मागणी चुकीची म्हणणं पण नाही। माझं म्हणणं आहे की मागच्या 5 वर्षांमध्ये त्यावेळेस तत्कालीन मंत्री, नगर जिल्ह्यातले एका मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार यांनीसुद्धा मागणी केली होती, मग 5 वर्षात तुम्ही नगरला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर का नाही नाव देऊ शकला या प्रश्नाचं उत्तर द्या, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही आत्ता मागणी करा। तुम्ही मागणी केल्यावर महाविकास आघाडीकडे हा प्रस्ताव समोर आला, त्याच्यानंतर महाविकास आघाडी त्याबाबतीचा विचार करेल, आणि त्याच्यात मनसेने काय मागणी करावी, भाजपने काय करावी, आता कुणी भोंगे उतरा म्हणावं, कुणी हनुमान चालीसा, आता असंच विषय नाही, याच्यावर उत्तर कुणी द्यावं तर राष्ट्रवादीने द्यावी, आणि प्रश्न मनसेचा तुम्ही आम्हाला विचारावा, असा सगळा गोंधळ आहे। म्हणजे नेमकं परिस्थिती गोंधळाची आहे, त्यामुळे कुणी काय मागणी करावी ह्या लोकशाही ज्याला त्याला अधिकार दिलेला आहे, पण 5 वर्षात मागच्या हे का झालं नाही याचं उत्तर अगोदर भारतीय जनता पार्टीने दिलं तर बरं होईल। देश में जाती आधारित जनगणना के मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पटोले ने नागपुर में कहा कि भाजपा देश में जाति आधारित जनगणना इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि वह धर्म के आधार पर राजनीति करती है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि देश में जाति आधारित जनगणना जरूर होनी चाहिए। पटोले का मानना है कि इससे देश के कई मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की थी। बिहार में जनगणना के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। 2 जून को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। बिहार सरकार यह काम अपने संसाधनों के बल पर करेगी। फरवरी 2023 तक इस गणना के आधार पर मसौदा तैयार किया जाएगा। जातीय गणना के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माने तो समाज कल्याण और विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने के मकसद से जातीय गणना करना जरूरी है। साथ ही योजनाओं की दशा और दिशा नए सिरे से तय करने के लिए भी जातीय जनगणना करवानी जरूरी है। जातीय गणना के आंकड़े नीतियों और कार्यक्रमों की दशा और दिशा बदलने के बड़े आधार बनेंगे। दावा किया जा रहा है कि जातीय जनगणना की उपलब्धि कई मिथकों को भी तोड़ेगी। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह ने कई ऐसे कारनामे किए हैं जिनके लिए उन्हें आज भी पूरी दुनिया याद करती है। खासकर 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप में युवराज ने जो एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए थे वो आज भी सभी की यादों में ताजा है। युवराज के बाद किसी भी भारतीय क्रिकेटर ने ये कारनामा नहीं किया है, लेकिन अब भारत के ही एक क्रिकेटर ने फिर एक बार एक ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा कर दिखाया है। युवराज सिंह की ही तरह एक और भारतीय बल्लेबाज ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसे देखने के लिए भारतीय फैंस तरस गए थे। ये कारनामा पांडिचेरी T10 नाम की एक घरेलू क्रिकेट लीग में देखने को मिला है, जहां कृष्णा पांडे नामक एक बल्लेबाज ने फिर एक ओवर में 6 छक्के ठोककर सभी खबरों को अपनी तरफ खींच लिया है। इतना ही नहीं, कृष्णा ने सिर्फ 19 गेंदों की अपनी पारी में 83 रनों की घातक पारी खेली। अपनी 83 रनों की पारी में कृष्णा ने 12 छक्के और 2 चौके लगाए। बता दें कि T10 लीग में ये मुकाबला पैट्रियट्स और रॉयल्स के बीच खेला जा रहा था। कृष्णा पैट्रियट्स की ओर से ही इस मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का छठा ओवर नितेश ठाकुर लेकर आए और कृष्णा उनके ऊपर टूट पड़े। इस ओवर में कृष्णा ने 6 छक्के जड़े, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कारनामे के बाद भी कृष्णा की टीम से मैच हार गई। बीड में गेवराई के गंगावाड़ी ग्रामीणों ने अवैध रेत निकासी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। ग्रामीणों ने सुबह 10 बजे से गोदावरी नदी बेसिन में बैठकर जल आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में स्थानीय बीजेपी विधायक लक्ष्मण पवार ने भी हिस्सा लिया है। गोदावरी नदी घाटी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन जारी है। ग्रामीणों के लिए खारे पानी पीने का समय हो गया था, साथ ही कृषि को खारा पानी देने का भी समय आ गया है। महिलाओं के लिए नए नए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह टेंडर रद्द किया जाए, ऐसी मांग की गई है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में गांव की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले ग्रामीण भूख हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए इन ग्रामीणों ने जल आंदोलन शुरू कर दिया है। आज सुबह से ही राजस्व प्रशासन के साथ पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात कर दिया गया है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। जहां ग्रामीणों ने ऐसी पवित्र जगह ले ली, वहीं कुछ नाराज ग्रामीणों ने तहसीलदार सचिन खाड़े को घेर लिया है। आमचा स्पष्ट आरोप आहे, प्रशासन याच्यात सामील आहे। मी तर मागच्या वेळेस एकदा राक्षस भवनच्या तिथं गंगावाडी आहे, तिथं एक दुर्घटना झाली होती। एका हैवानी एका 60 वर्षाच्या माणसाला चिरडलं आणि त्याचे 2 तुकडे झाले होते। ज्यावेळेस त्याचं सखोल चौकशी झाली, त्यावेळेस लक्षात आली की त्या हैवाचा मालक एक पोलीस कॉन्स्टेबल होता। त्यामुळं बरेच तलाटी किंवा बरेच प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा याच्यात पार्टनर आहेत, आणि त्याच्यामुळंच ह्या वाळू माफियांना एवढा अभय भेटत नाही आणि गेवराई तालुक्याचं वाळवंट होत आहे। हे आंदोलन आम्ही 24 तारखेपासून ह्या आंदोलनाची रूपरेषा आम्ही कलेक्टर साहेबाला एक निवेदन दिलं। आमदार साहेबाचं उपोषण चालू असताना आम्ही कलेक्टर साहेबाला निवेदन दिलं की आमच्या गंगावाडीचं जे उत्खनन वाळूचं चाललेलं आहे ते अवैधरित्या बेकायदेशीर चाललेलं आहे। तिथं कुठेही असे कायदेशीर असे कुठलीही पूर्तता कागदपत्राची केलेली नाही, सगळे खोट्या कागदपत्राच्या आधारे या गंगावडी गावच्या वाळू लिलाव जो घाट आहे तो अतिशय चुकीच्या पद्धतीनं प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या सहमतीनं ह्या गंगावडीचा लिलाव घाट हा त्यांनी तयार करून घेतला आणि हे लिलाव टेंडर आम्हाला ज्यावेळेस ग्रामस्थाला माहीत झालं, चर्चा झाली आणि त्या अनुषंगानं आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीनं सगळ्याशी चर्चा करून या लिलाव टेंडर रद्द होऊन आम्हाला आमची वाळू आमच्या गावचं हे जे धनसंपत्ती आमच्या गावासाठी शेतीसाठी जेणेकरून आमच्या शेतीला हे पाणी स्वच्छ सुंदर शेतीला मिळावं पिण्यासाठी मिळावं म्हणून आम्ही हा लढा बेकायदेशीर जे झालेलं टेंडर आहे रद्द व्हावं म्हणून आम्ही गावकऱ्यांनी एक मुखानी आमदार साहेबाच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी हा लढा उभा केलेला आहे। हा त्रास आम्हाला 1 महिन्यापासून होत,
त्रास कसा आहे म्हणजे आता कपडे धुवायला यायचं म्हणल्यावर तुम्ही सांगा कुठं खड्डा आहे किती म्हणून माहिती नाहीये. प्रत्येक बाया कपडे धुवायला येतात आणि पुरुषांना सोबत आणेन का? कधी कुणासोबत लहान लेकरं येते तर कधी न सांगता येते तर पहिल्यांदा येत होते त्यावेळेस टेन्शन नव्हतं, पण आता एवढे खड्डे झालेत की महिलांसुद्धा सुद्धा पाय ठेवता येत नाही व्यवस्थित. कपडे आम्ही धुवायचे कसे? हे पाण्याची परिस्थिती बघून बघा, एवढं खारं पाणी झालं आहे, आम्ही शेतीला वापरायचं कसं? शेती जर नाही चालली नाही पिकली तर आम्ही खायचं कसं? विचार करा आमचा तरी निदान. खारं पाणी वाळू काढल्याबद्दल पाणी खारं व्हायला लागलंय ना. पहिलं आम्ही बिना फिल्टरचं पाणी प्यायचो, आता फिल्टर असून सुद्धा आम्हाला पाण्याचा उपयोग व्हाय नाही. काय उपयोग आहे याचा? वाळूचं हे टेंडर बंद झालं पाहिजे. ही स्मशानभूमी बघा, लहान मुलांची स्मशानभूमी राहिली नाही. आता ही स्मशानभूमी मोठी आहे ती सुद्धा राहणार नाही. ही परिस्थितीच्या जबाबदार कोण आहेत? कुणी जबाबदारी घ्यायची? ही परिस्थिती झाली नेमकी कशामुळे झाली? आम्ही 2 तारखेला उपोषणाला बसलो, त्याचा काय उपयोग झाला? 11 वाजेपर्यंत 6 वाजेपर्यंत बसलो तरी काही पाऊल उचललेलं नाही. आमच्या जीवनाला काही महत्त्व नाही आहे का? आम्ही मागे हटणार नाही. जोपर्यंत आम्हाला न्याय भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. तर आमचं आंदोलन असंच चालू राहणार. आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे, टेंडर बंद झालंच पाहिजे, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. अहमदनगर जिले के पुणतामा में किसानों का चल रहा आंदोलन 2 दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. 1 जून से पुणतामा के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था. इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए कृषि मंत्री दादा भूसे ने आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात की और उनकी मांगों पर चर्चा की. इस चर्चा के बाद किसानों ने अपना आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित करने का ऐलान किया है. विरोध कर रहे किसान धनंजय जाधव ने कहा कि कृषि मंत्री से सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, कुल 14 मुद्दों का निपटारा होने की उम्मीद है. कुछ प्रश्न कृषि से संबंधित है, कुछ प्रश्न ऊर्जा से संबंधित है और कुछ प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से संबंधित है. इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से चर्चा की गई. दादा भूसे ने कहा कि मैं भी एक किसान हूँ, हम आपकी मांगों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का समाधान करेंगे. उप मुख्यमंत्री अजित पवार मंगलवार को बैठक में आएंगे, उसी समय मांगों पर निर्णय लिया जाएगा. हम अब 2 दिनों के लिए आंदोलन स्थगित कर रहे हैं. मांगों के संबंध में चर्चा के संबंध में हम ग्राम सभा में अंतिम निर्णय लेंगे. किसानों ने यह भी कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा. शेतकरी कृषि हा जो विभाग आहे, जो विषय आहे, हा त्याच्यापुरता स्वतंत्र स्वतःवर अवलंबून नाही. आता आपण पाऊस पडण्याची वाट पाहतो, बरोबर? वेळेवर पाऊस आला तर शेतकऱ्यांची पेरणी होईल. 8-15 दिवस जर पाऊस लांबला तर क्रॉपिंग पॅटर्न सुद्धा बदलतो. ते पीकच्या ऐवजी दुसरं पीक घ्यावं लागतंय. 15 दिवस 3 आठवडे जर पाऊस उशीर झाला, बरोबर आहे ना, क्रॉपिंग पॅटर्न बदलतो. नको तेव्हा पाऊस आला, शेतकरी बांधवांचं नुकसान होत आहे. रोगराई आली, शेतकरी बांधवांचं नुकसान होत आहे. या सर्व दुष्ट चक्रातनं शेतकऱ्याने चांगलं उत्पादन घेतलंय. आता कांद्याचं आंदोलन का होत आहे? त्याला भाव मिळत नाही. जेव्हा शेतकऱ्याच्या कांद्याचे भाव पडतात, कांदा न खाणारे ते त्यांना ते दिसत नाही. थोडस काहीतरी 10-15 रुपये कांदा झाला, किती ओरड केली जाते, प्याज महंगा हो गया पाणी है की नाही? आणि हे कोण बोलतंय जे कांदा खात नाही? तुम्हाला 100 रुपये किलोचे सफरचंद चालतात, म्हणजे बोलणाऱ्यांना सांगतो मी जे बोलतात ते. त्याला 10-15 रुपये किलोचा कांदा खायचं जीवावर येते, आणि तो काही कंपल्सरी खाल्लाच पाहिजे असं पण काय नाही. कांदा खाल्ला नाही तर कोण आजारी पडणार आहे का? तर हे सर्व चक्र त्याच्यावर अवलंबून आहे. आणि म्हणून वस्तुस्थिती आहे की भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शुक्रवार को मेरठ पहुंचे. यहां उन्होंने कंकरखेड़ा में किसानों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है. कर्नाटक में हुआ हमला सोची समझी साजिश थी. दिल्ली में विपिन रावत जी के घर पर भी हत्या कराने की योजना थी. वहां दिल्ली पुलिस ने दूसरे गेट से हमें निकाला था. राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यह समय आपस में उलझने का नहीं है. सरकार तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है. सरकार चाहती है कि संगठन का विघटन किया जाए. आज कार्यकर्ता और किसान हमला करने की स्थिति में नहीं बल्कि बचाव की मुद्रा में है.
टिकैत परिवार हमेशा ही मजबूती से किसानों की आवाज़ उठाता रहा है, आगे भी आवाज़ उठाई जाएगी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बाद नरेश टिकैत किसानों की सेवा में आ गए, टिकैत परिवार पीछे नहीं हटेगा। बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।